नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564309606089752384455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, सामान्य हिंदी सीरीज का यह छठा वीडियो है और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम अलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी ड्राइवर स्टेनो और UPSC जूनियर स्टेंट के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यह वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद, मुंबई, पुणे, चेन्नई। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी है, चेन्नई में स्थित है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय और इसकी स्थापना 1918 में हुई थी। 1918 में इसकी स्थापना मद्रास में की गई थी जो वर्तमान में चेन्नई है। इसका ऑप्शन डी सही है। सुमेलित कीजिए, चार रचनाएं दी गई हैं और उनके साथ रचनाकारों के नाम दिए गए हैं। तो कौन उनके साथ जो है सुमेलित करना आपको, चार ऑप्शन दिया गया आपके सामने। अखरावट जो रचना है, अखरावट ये आपके मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। प्रेम सरोवर यह भारतीय हरिश्चंद की रचना है। प्रेम सरोवर नहुस मैथिली शरण गुप्त की रचना है और प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओर की रचना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4-2-3-1 यानी डी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हम लोग। निम्नलिखित कंठोष्ठी ध्वनि है, चार ऑप्शन दिया गया आपके सामने। इसमें जो कंठोष्ठ ध्वनि है वह आपका ऑप्शन डी ओ, ओ का जो उच्चारण स्थान है वह कंठोष्ठ है। आ का कंठ से है, आ का कंठ से आ और दीर्घ दोनों का उच्चारण स्थान जो है कंठ है और ई और दीर्घ ई दोनों का जो उच्चारण स्थान वह तालु है, तालु इसका है और उ और दीर्घ दोनों का उच्चारण जो स्थान ओष्ठ है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ओ का जो उच्चारण स्थान है वह आपका कंठोष्ठ है। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है, चार ऑप्शन दिया गया है खा च म ठ। तो इसमें सही आंसर आपका ऑप्शन सी है, म वर्ण जो है यह घोष वर्ण है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण यह जो है घोष वर्ण के अंतर्गत आता है। तो म जो है इसका सही आंसर हो जाएगा और इसमें जो है सभी स्वर भी आते हैं, घोष में सभी स्वर और य र ला व और हा ये सभी जो है घोष वर्ण या सघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। यानी घोष वर्ण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण और सभी स्वर और य र ला व हा ये सभी जो है घोष वर्ण है। इसका ऑप्शन आपका सी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक प्रत्यय से बनने वाला शब्द है, चार ऑप्शन दिया गया है, कौन से शब्द में जो है एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी को पता है एक जो है प्रत्यय जो है शब्द के बाद में लगती है। तो इसमें ऐतिहासिक इसमें एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, व्यावसायिक इसमें भी एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, औद्योगिक इसमें भी एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इसका ऑप्शन डी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा, तीनों शब्दों में एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में लिंग की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है, लेखक लेखिका चूहा चूहिया अनपत्य अनापत्य अनपत्य पापी पापिनी। इसमें जो असंगत युग्म है वह आपका ऑप्शन सी, अनपत्य का जो स्त्रीलिंग होगा वह अनपत्या होगा, अनपत्या। इसका ऑप्शन सी जो है वह असंगत युग्म है। यथाशीघ्र में कौन सा समास है, यथाशीघ्र में कौन सा समास है, जितना शीघ्र हो यानी इसमें अव्ययी भाव समास है। इसका ऑप्शन डी सही है। उल्लू का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा शब्द जो है उल्लू का पर्यायवाची नहीं है आपको चुनना है, कौशिक उतुंग उलूक लक्ष्मी वाहन। इसमें उतुंग जो है उतुंग यह उल्लू का पर्यायवाची नहीं है और यह ऊंचा का पर्यायवाची है, यह ऊंचा की पर्यायवाची है उतुंग। बाकी तीनों जो है कौशिक उलूक लक्ष्मी वाहन तीनों उल्लू के पर्यायवाची है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है लाघव का विलोम, लाघव का विलोम क्या होगा, दाता नश्वर सन्यासी गौरव। तो लाघव का जो विलोम होता है वह गौरव होता है।
निम्न में से तद्भव शब्द खोजना है, चार शब्द दिए गए, इनमें कौन सा तद्भव शब्द है? एकाशीत, ज्येष्ठ, व्याघ्र, आंख। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आंख जो हो जाएगा यह तद्भव शब्द हो जाएगा, बाकी तीनों जो है तीनों शब्द यह तत्सम शब्द है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अशुद्ध शब्द है, चार शब्द दिए गए, इनमें से कौन सा एक अशुद्ध आपको पहचानना है। इसमें पारलौकिक जो है यह अशुद्ध है, पारलौकिक होता है लौकिक, बाकी तीनों जो है एक्ट, गीतांजल, ज्योत्सना, ये तीनों जो है शुद्ध शब्द है, पारलौकिक जो है अशुद्ध है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लोकोक्तियों को उनके अर्थों के साथ मिलान करना है। मान न मान, मैं तेरा मेहमान, सब सुनिए सबकी, करिए मन की। तीसरा जो लोकोक्ति है, काला अक्षर भैंस बराबर। और चौथा है, जैसे नाग नाथ वैसे सांप नाथ। तो इसको सही मिलान कीजिए। तो पहले का जो हो जाएगा मान ना मान मैं तेरा मेहमान, इसके लिए जबरदस्ती गले पड़ना, इसका सी से सी इसका अर्थ है, मान न मान मैं तेरा मेहमान यानी जबरदस्ती गले पड़ना। सुनिए सबकी, करिए अपने मन की, तो यह जो है अंतःकरण की बात माननी चाहिए, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला। और काला अक्षर भैंस बराबर यानी बिल्कुल अनपढ़, बिल्कुल अनपढ़। और जैसे नाग नाथ वैसे सांप नाथ, दोनों ही दुष्ट। तो यानी इसका जो सही युग्म होगा वह होगा आपका सी डी ए बी, यानी डी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हम लोग। दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द चयन कीजिए। पृथ्वी को धारण करने वाला, पृथ्वी को धारण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए महीधर शब्द होगा, महीधर, इसका ऑप्शन भी सही है। किस वाक्य में कोई अशुद्धि नहीं है? किस वाक्य में कोई अशुद्धि नहीं है? चार वाक्य दिए गए हैं, आप लोग वाक्य को ध्यान से पढ़िए। आपके रहन सहन का दर्जा ऊंचा है, आपके रहने का दर्जा ऊंचा है, आपके रहन सहन का दर्जा ऊंचा है, और आपके रहन सहन का स्तर ऊंचा है। इसका आपका ऑप्शन डी सही है, यह शुद्ध वाक्य है, बाकी तीनों जो है अशुद्धियां हैं। निम्नलिखित में से किरण का समानार्थी नहीं है, कौन सा एक शब्द जो है किरण का समानार्थी शब्द नहीं है? इसमें चश्म, चश्म जो शब्द है यह किरण का समानार्थी नहीं है, बाकी अंशु, प्रभाव, मरीचि, ये तीनों जो है किरण के समानार्थी शब्द हैं। दोस्तों, अगर आप अलाहाबाद हाईकोर्ट स्टेनो ग्रुप सी ग्रुप डी की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेज, टेस्ट सीरीज, सब कुछ जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और यह कोर्स आप हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप पर परचेज कर सकते हैं। इस समय डिस्काउंट भी चल रहा है तो आप लोग जो है डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में सही युग्म का चयन कीजिए। इसमें कौन सा एक युग्म जो है सही आपको पहचानना है? जो स्त्री अभिनय करे अभिनेता, जो व्याकरण जानता हो व्याकरणिक, जो लौट कर आया हुआ प्रत्यागत, जो आंख से परे हो प्रत्यक्ष। इसमें जो सही युग्म है वह आपका ऑप्शन सी वाला, जो लौट कर आया, जो लौट कर आया हुआ, लौट कर आया हुआ के लिए जो एक शब्द प्रयुक्त होगा वह प्रत्यागत। जो स्त्री अभिनय करे उसके लिए अभिनेत्री होता है, अभिनेत्री। जो व्याकरण जानता हो उसके लिए एक शब्द होता है वह व्याकरण होता है, व्याकरण। और जो आंखों से परे हो वह परोक्ष होता है, इसका ऑप्शन सी जो हो जाएगा वह सही है, सी वाला ऑप्शन सही होगा। नई पराग, नई मधुर मधु, नई विकास इह काल, अली कली ही सौ बिंध्यो, आगे कौन हवाल, में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है अन्योक्ति अलंकार है, इसका सी ऑप्शन सही है। कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है? चार ऑप्शन दिया गया है, समाचार, व्यापारीगण, पानी, हस्ताक्षर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पानी जो है हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है, बाकी तीनों जो है बहुवचन के शब्द है, इसका ऑप्शन सी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। बहु बहु का अर्थ क्या है? चार ऑप्शन दिया गया आपके सामने। तो बहु का जो अर्थ होता है, बहु का वह अत्यधिक होता है, और बहु का जो अर्थ होता है वह पुत्र वधू से होता है, इसका ऑप्शन डी सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, सज्जन में कौन सी संधि है? गुण, विसर्ग, व्यंजन, आदि। तो सज्जन का जब संधि विच्छेद करेंगे तो उसका जो विच्छेद होगा सत धन जन, यानी इसमें व्यंजन संधि है,
इसका ऑप्शन सी सही है। पाणि, पाणि का समानार्थी पद कौन सा है? मुख, कर, उदर, स्कंद। तो जो पाणि का समानार्थी पद है वो आपका ऑप्शन बी, कर जो है पाणि का समानार्थी शब्द है, इसका ऑप्शन बी सही है। प्राची शब्द का विलोम क्या है? उदीची, प्रतीची, नवीन, समीची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्राची शब्द का जो विलोम होता है वह प्रतीची होता है। किस शब्द में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? किस शब्द में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? यशोदा, पयोद, तमोगुण, महोदधि। इसका जो संधिविच्छेद करेंगे यशोदा का तो यश, यशधन दा, और पयोद का पय धन दा, और तमोगुण का तमय धन गुण, और महोदधि का इसमें महा धन उदधि, इसमें गुण संधि है, इसमें गुण संधि हो जाएगा। बाकी तीनों में जो है विसर्ग संधि का प्रयोग है, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, महोदधि में विसर्ग संधि नहीं है। इनमें से 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है? चौपाई, रोला, दोहा, इनमें से कोई नहीं। तो चौपाई जो है 16 मात्राओं वाला छंद है, इसका ऑप्शन ए सही है। विभाव कितने प्रकार के होते हैं? 3, 2, 5, 9। तो विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन, दो प्रकार के होते हैं विभाव, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव, इसका ऑप्शन भी सही है। दोस्तों आज की वीडियो समाप्त करते हैं, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।